नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर योग और कलर में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था कि मैं यूट्यूब पे कुछ प्रोग्राम्स दूं, कुछ टिप्स दूं। कुछ इजी टिप्स हैं, 3 in 1। एक बीमारी के लिए 3 तरह का ट्रीटमेंट है। एक्यूप्रेशर के थ्रू आप ठीक कर सकते हो, योग के थ्रू कर सकते हो, कलर कर सकते हो, और तीनों का तीनों अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है और बहुत इजी कर सकते हो। अभी मैं आपको नी के प्रॉब्लम्स के लिए, नी में जो दर्द होता है एक एज आने के बाद, वो नी में आवाज़ होती है, दर्द होता है, कोई परेशानी होती है, चलने में तकलीफ होती है, सीढ़ी पर चलने में तकलीफ होती है, उतरने में तकलीफ होती है, इस सब तरह के कुछ प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर टिप्स, कलर टिप्स और साथ में योग का टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो अब हमें यह समझना है कि हमारे नी में जो प्रॉब्लम है, उस नी के प्रॉब्लम्स के लिए मैं एट फर्स्ट एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो हमारे हाथों में ये दो उंगलियाँ, ये उंगलियाँ हमारा लेग है। लेग में ये जो बीच का पार्ट है, ये हमारा नी है। अब करना क्या है, एक पेन लेना है या जिम्मी लेना है या कुछ भी लेना है, इससे लेके हम इस पार्ट को, ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम पॉइंट को दबाएंगे। इस पार्ट के पॉइंट को जब हम दबाते हैं कुछ टाइम, 2 मिनट तक पॉइंट को दबाना है। दबाने के बाद देखना है कि हमें दर्द का पॉइंट कहाँ पे है, ये चेक करना है हमें। जहाँ पे हमें दर्द का पॉइंट मिले, बर्दाश्त भर उस पॉइंट को दबाना है। मान लो यहाँ पे दर्द का पॉइंट है, तो यहाँ पे कंटिन्यू हमें 50 बार दबाना है, 100 बार दबाना है। यहाँ पे दर्द का पॉइंट है, तो यहाँ पे 50 बार 100 बार दबाना है। यहाँ पे दर्द का पॉइंट है, तो यहाँ भी 50 बार 100 बार दबाना है। अगर ये लेफ्ट लेग में है तो लेफ्ट का, और अगर राइट में है तो राइट का। ये दोनों नी में इस पॉइंट को धीरे धीरे करके हमें दबाना है, और दबाने के बाद जहाँ पे भी दर्द का पॉइंट हो, उस दर्द के पॉइंट को दबाते रहना है 2 मिनट तक। दबाने के बाद ये है मेथी का दाना, ये मेथी का दाना जो है इस जगह पे अपन लगाएंगे ऐसे करके। ये मेथी का दाना है, ये यहाँ पे लगाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा इस मेथी के दाना से, कि इसे 8 घंटा कम से कम रखना है, तो हमारे उस पॉइंट्स में ये अपनी एनर्जी लेवल देगा, और एनर्जी लेवल देने के साथ जो है हमारे नी पेन में जो है हमें काफ़ी आराम मिलेगा। घुटने में जो हमारा दर्द है उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। इसे आप ट्राई करना, इतना फास्ट रिलीफ देगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। आपके सोचने से पहले ही आराम देगा, पॉइंट दबाते रहोगे आपको आराम मिलता जाएगा। तो ये दोनों हाथों में आपको डेली करना है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना 4 महीना। इसमें 1 रुपये नहीं जा रहे हैं, आप ये खुद से कर सकते हो, और जब आपको लगे कि आपको फायदा हो रहा है तो दूसरे को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। और मुझे लगता है कि फर्स्ट डे से जब से दबाना स्टार्ट करोगे आपको आराम मिलना स्टार्ट होगा। नहीं मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उसका मैं अलग तरीके से नए ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा। ये तो हो गया आपका एक्यूप्रेशर के थ्रू। अब इसी ट्रीटमेंट के लिए अगर हम कलर के थ्रू करेंगे तो कलर के थ्रू क्या कर सकते हैं? तो भाइयों दोस्तों, कलर के लिए एक बहुत ही आसान है। जिसके नी में प्रॉब्लम है और सूजन है, नी में दर्द के साथ सूजन है, ये उनके लिए है। जिनको दर्द के साथ सूजन नहीं है उनके लिए नहीं है। तो ये कलर थेरेपी ये है, एक नॉर्मल सा ये ब्लैक कलर लीजिए, ये ब्लैक कलर और एक येलो कलर। तो ब्लैक कलर का इस्तेमाल ऐसे यहाँ पे इस उंगली में, रिंग फिंगर में ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है। ये पूरी लाइन को घेर देना है। जिस एक बात का ध्यान रखिए, जिसके नी में सूजन है और सूजन के साथ दर्द है उसके लिए इस हाथ में भी करना है। अगर दोनों पाँव में है तो इस हाथ में भी करना है और इस हाथ में भी करना है ये कलर ट्रीटमेंट। और ये करने के बाद बहुत ही इजी है, एक ब्लैक और एक येलो, ये इस पूरे पार्ट को येलो कर देना है। इसे करने के बाद इसे कम से कम 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा तक प्लीज ना धोएं। इससे आपको वो सूजन में भी आराम होगा, और सूजन भी कम होगा, और पाँव के दर्द में भी काफ़ी आराम होगा। तो भाइयों बहनों, ये कलर थेरेपी है, लेकिन जिसके घुटने में दर्द के साथ सूजन हो उसके लिए, जिसके सिर्फ दर्द है सूजन नहीं है उसके लिए ये नहीं है। कृपया इस बात का ध्यान दीजिएगा। घुटने के और भी 1000 प्रॉब्लम्स हैं, ये हड्डी का नीचे बढ़ जाना, गैप कम हो जाना, सिग्नल फ्रूट्स की कमी हो जाना, आवाज़ करना, बहुत तरह की चीज़ें उसके अंदर में आता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए और आगे की बातें बताता हूँ। अब इसे योग के थ्रू हम कैसे करेंगे? तो सिर्फ जिनको दर्द है उसके लिए,
जिसका जो नी नीचे चला गया उसके लिए नहीं है, ये घुटना, इस घुटने पे हाथ ऐसे रख के इसे योग के थ्रू ये दोनों को घुमाना है पूरी तरह से, और इसको दूसरी तरफ से घुमाना है, ये करना है, फिर दोनों को सटाना है, फिर इस दोनों को ये घुमाना है, फिर इसे इस साइड से घुमाना है, ये सारी चीजें करने, ये योग के थ्रू इसमें आपको आराम मिलेगा। और पांव के जो कुछ एक्सरसाइज है सूक्ष्म व्यायाम, मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, पांव के सूक्ष्म व्यायाम का जो है कुछ करना है आप लोगों को, और ये और मैं आगे की चीजें और वीडियो में बताऊंगा। आगे की बातें ये है, अब एक चीजें और कर सकते हैं जो नॉर्मल लोगों को, जिनको स्टोन की तकलीफ नहीं है और स्टोन नहीं है शरीर के अंदर में, वो लोग चूना, एक गेहूं के दाने के बराबर चूना जो है गर्म पानी में मिक्स करके या दही में मिक्स करके या दाल में मिक्स करके, गेहूं के दाने के बराबर या चावल के दाने के बराबर, एक चावल के दाने के बराबर चूना मिक्स करके ले सकते हैं। अगर बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है ये उसको पूरा करेगा। प्लीज बच्चों पे इसका ट्रायल ना लें, जो 10 साल 12 साल से ऊपर हैं उस पे ये ट्रायल लें, और इतना फास्ट रिलीफ है आपके सोचने से पहले इसका काम होगा, जितना जितना फास्ट आप सोच सकते हैं उतना फास्ट रिलीफ इसमें मिलेगा, इसलिए प्लीज इसको ट्राई करें, और अगर फायदा हो तो आगे भी फॉरवर्ड करें। ओके, धन्यवाद। बाकी की नई वीडियो के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे।